ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की, कि जिसमें बाबा ने मुरली का महत्व बताया और बाबा कहे, बच्चे तुम्हें कभी भी मुरली को मिस नहीं करना है, इसमें कभी सुस्ती नहीं करनी है, क्योंकि इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। मुरली सुनने से आत्मा को खुराक मिलता है और मन स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा मुरली पर अटेंशन देते हुए, पढ़ाई पर अटेंशन देते हुए अपने उन्नति करनी है। साथ ही साथ बाबा कहे कि बच्चे, अब हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है और इसीलिए अब वापस घर जाना है। तो घर जाना है, फिर अपने राज्य में भी आना है, तो अपने को ऐसा तैयार करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है, अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर, जो अभी शाहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहां की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं, गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें शाहूकार बना देते, इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरु गोसाई आदि है वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। कोई भी गुरु गोसाई बाबा कहे, अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष है, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चों, ये कहेंगे नहीं। ये अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में है। बाबा कहे, जो गृहस्थ में रहते हैं उनके मुख से सहज ये बात निकल सकती है कि हे बच्चों। बाकी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो ये शब्द बोल नहीं सकते हैं। ये अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है। बाप कह सकते हैं, वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। निवृत्ति मार्ग वालों को गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। यह तो मात पिता है, तो जरूर बच्चे कहेंगे, तुम भी समझते हो, बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? किसी ने कहा, परमधाम। बाबा कहे, परमधाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो, बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे, अभी तो यह है दुखधाम। इनका तुमको सन्यास करना है, यह बेहद का सन्यास, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। वह तो हद का अर्थात घरबार का सन्यास करते हैं। यह तो मात पिता है ना, मात पिता घरबार कैसे छुड़ाएंगे, उनका तो धर्म ही है
निवृत्ति मार्ग का। जैसे और धर्म है, आर्य समाजी, राधा स्वामी, अभी राधा का स्वामी कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में राधा कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा, श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। ये समझने की बातें हैं, कितनी छोटी छोटी बातें भी बाबा क्लियर करके समझाते हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? ये रावण पूरी दुख धाम है, पूरी रहने की होती है, पूरी कहा जाता है रहने के स्थान को। रावण पूरी में राम सीता है नहीं, यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूं राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे, है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अभी वापस घर जाना है, हमने 84 का चक्र लगाया है, मनुष्य की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं, धारणा न होने कारण फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे, जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते, जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो, सब धर्म वाले अभी अंत में, भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है, सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुक तो कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। बाबा कहे हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब है, सब को चुक तो करके जाना ही है। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ ना सके। कौन? गुरु नानक देव की बात बाबा कर रहे हैं, वह आती ही है कलयुग में, 500 साल पहले आए हैं, अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है किसका? संगम युग पर परमात्मा का पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? बताते हैं, मैंने इस चोले का आधार लिया है,
यह अपने जन्मों को नहीं जानते, शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है, आए देश पर आए, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी, जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सत्व प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, उनको तो पहले सत्व में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है जीसस की, वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया? साकार बाबा कई सन्यासियों को पूछते थे, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा? बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा वा नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े श्रूडनेस यानी समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं, बाबा कहे अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये सब है कपोड़े। बाबा कहे ये सब है कपोड़े। बाप कहते हैं मैं तो आता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो। करेक्शन करते हैं बाबा। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तोते मुआफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुजब करेक्ट अक्षर बोलने हैं, स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारे। ऊंचे ते ऊंची श्रीमत बाबा देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। ये बाबा का शरीर मुक्रूर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ी है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं वा राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, यह है सबसे बड़ा सर्जन। यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे को बाबा टिकट भी दे सकते हैं, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवास है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे ते ऊंचा चढ़ जाए। आजकल सब गरीब है,
दस बीस लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो शाहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है, पद्मपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके, न बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है। शिव बाबा भी पक्का सौदागर है, इसलिए शाहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो, अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर क्या करते, सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड लगता है। और कोई ये बातें समझ न सके, बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्म बाद अभी ब्रह्मा निकला है, अभी ब्रह्मा सरस्वती सुफिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं, कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं, तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, वो फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहती है। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं। तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे, अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी, यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो, समझते हैं ये बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे ये बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। देखो बाबा कैसे हर एक को अपना महत्व भी बताते हैं और कर्तव्य भी बताते हैं। फिर बड़ों का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। मूडी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है, प्रेम का सागर सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, टाइम लगता है। जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी, योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए।
बहुत बच्चे सुस्त हैं, जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके, बाबा क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते हैं, समझते हैं हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सभी को राजी करना है, मूढ़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर सीखने और सिखलाने हैं। दूसरी पॉइंट, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नुंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हो तो मजा आता है। बाबा कहे, जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। आज का स्लोगन है, जो सदा योगयुक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो सदा योगयुक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, ओ शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।